पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने भारत को क्रिकेट की महाशक्ति बताते हुए एक अहम कबूलनामा पेश किया। राजा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की 90% फंडिंग भारत करता है। इसके बाद आईसीसी हमें पैसा देता है और टूर्नामेंट कराता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहें और हमें पैसा देना बंद कर दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट तबाह हो जाएगी। रमीज ने यह बयान इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन पर सीनेट स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग के दौरान दिया। रमीज ने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और, भारत से ज्यादा क्रिकेट फंड किसी और देश के पास नहीं है। राजा ने कमेटी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट को 50% फंडिंग आईसीसी से मिलती है। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि आईसीसी को 90% फंडिंग भारत से मिलती है। एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। कल अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लें कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो हमारा क्रिकेट बोर्ड खत्म भी हो सकता है। एक सांसद ने राजा से पूछा, लेकिन हमें तो पैसा आईसीसी से मिलता है। इस पर राजा ने कहा, भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ा नहीं होगा। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ, वो न्यूजीलैंड टीम 2 मिनट में सामान पैक करके बिना खेले पाकिस्तान से चले गए। इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी कहीं नहीं है। एक और सांसद ने राजा से पूछा, पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी के लिए? जवाब में राजा ने कहा, कुछ नहीं, हमारा कंट्रीब्यूशन 0 है। राजा ने एक अहम खुलासा किया, कहा, एक इन्वेस्टर ने मुझसे वादा किया है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत को हरा देगा तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ब्लैंक चेक देंगे। 24 अक्टूबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप हो या वनडे वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम कभी भी भारत को इस मेगा टूर्नामेंट में हरा नहीं पाई है। ऐसे में पाकिस्तान भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली 2 बड़ी सीरीज सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन दोनों ने सीरीज खेलने से मना कर दिया। आज की न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।